हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, अभी जो है हम लोग स्कूल जा रहे हैं और आज हमारा पेपर है हिस्ट्री का, और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं स्कूल। तो गाड़ी सामने खड़ी है, अभी चलते हैं। और हमारे जो हैं अभी चार पेपर रह गए हमारे। तो गाइस, अभी जो है हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और आप लोग दुआ करना कि हमारा पेपर अच्छा हो। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं पेपर देने और आ जाओ। तो गाइस, अभी जो है हम लोग जा रहे हैं फरियापी को लेने। उनका टाइम तो ऊपर हो चुका है, लेकिन हम जो है पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा सा आगे और रास्ता रह गया, और गुस्सा तो उनको मुझे पता है चढ़ा हुआ होगा, क्योंकि लेट बहुत। पहले तो केमिस्ट्री का पेपर था, दूसरा तुमने लेट कर दी केमिस्ट्री का। या अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर। हमारी बहन भी थोड़ी मेंटल सी है ना, छिड़ जाती है कभी। एक बार मैं इधर आया हूँ, मुझे रास्ता याद हो गया, तो मेरे दिमाग का वो चेक कर सकती हूँ, मतलब कितना वो है यार। जो चीज यूज नहीं हुई भी होती वो सही तो होती है। या अल्लाह, अब ये जल्दी बाहर आ रहे, इससे पहले उसका जाके यहाँ से अंदर जाओ ना, बेचारी को लेना पड़ेगा। फिर बहुत अच्छा, बहुत इजी, इतना इजी में यार। जो पढ़ के ना जो बहुत अच्छा होता है ना, आईना में भी कोई मैं नहीं पढ़ के जा रहा। मैं मजाक के अलावा मैं पढ़ के थोड़ी जा रहा हूँ फर्स्ट टर्म के पेपर में। बाबा की सुननी है ना, अल्लाह अल्लाह के आसरे पे लिख के आता हूँ। पेपर देख के हैरान होगी, मैंने कहा इतना इजी पेपर आ गया। ओह माय गॉड, बढ़िया था। मतलब साथ साथ मतलब सैवेज होके खा रही और पेपर दे दिए। क्या बात, अच्छा हो गया। चलो कितने रह गए? दो जान छुटेगी। चलो शुक्र यार। उस दिन बताया मैंने क्या देखा है? नहीं सिवे किसी ने पीछे से मारी। हाँ, कसम से मैंने देखा है। मैं तो वहाँ ही हार्ट अटैक आने वाला था छोटा सा। अच्छा, जो बंदे नहीं ले लेते हैं मतलब वो स्पीड में चलाते हैं ना, फिर यही हो जाता है। उस दिन मैंने जिस दिन नई ग्रैंडी आई है उस दिन मैं देखी ठुकी हुई थी मोटर वे। जी मैं तो आराम से चलाता। अभी जो हम लोग घर पहुँच चुके हैं, तो अभी जो है मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा गंदी हुई थी। पापा भी अंदर ही हैं, और अभी जो है बस गाड़ी साफ करेंगे क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी है और पापा ने अभी तक नहीं देखा, इसलिए पापा को नहीं पता। और ये आगे से फुल इसकी हालत हुई हुई है, ऊपर गंदी हुई हुई है। तो गाइस, अभी जो है गाड़ी धुल चुकी है एक्सेट और चमक रही है। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इधर चारों इतने प्यार से आज कैसे बैठे हुए एक साथ, क्योंकि आज जो है हम आपसे एक बात करना चाहेंगे। सिद्धू मूसेवाला जिनकी दो तीन दिन पहले डेथ हुई है, और हम सारे उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनके फ़ैन थे, और बाहर भी इंडिया में कनाडा वगैरह में सब में उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन थे। तो उनको जो है उनकी जो है डेथ हो चुकी है, और हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, और क्योंकि उनकी जो है डेथ शूट करने की वजह से होती, किसी ने उनको शूट किया था। और जब हमने न्यूज़ सुनी थी तो काफी ज्यादा हमें मतलब पहले तो हमें बिल्कुल पहले हमें यकीन नहीं था। फिर हमने गूगल पे सर्च की तो उसमें जो है पिक्चर्स आई हुई थी, तो वो देख के मतलब बहुत ज्यादा मतलब रोंटे खड़े हो गए थे, क्योंकि जो है सोचा भी नहीं था कि इतनी ऐसा होगा, जवानी ऐसे कोई कर सकता है, ये हमने नहीं सोचा था। और पता है इस न्यूज पर 3 दिन हो गए, और 3 दिन से मतलब मैं इतनी बड़ी फैन नहीं थी। मैं भी हाँ। बहुत बड़े कोई और हैदर में तो मतलब गाड़ी जैसे सारे इकट्ठे होते, लेकिन ना फिर भी ऐसे मतलब दिल उदास है। और फिर भी और हम जो है हम उनके फैन है, और लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं उनका तो वो एक ही बेटा था, वो सोच के बहुत दुख होता है, क्योंकि उनका एक ही बेटा था जिसके साथ ऐसा किया गया। वो बेटा तो वापस नहीं आ सकता, मगर इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह करें कि किसी और सेलिब्रिटी के साथ ऐसा ना हो, किसी और पेरेंट्स के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत दुख की बात है। वो तो सेलिब्रिटी थे ना जिन्हें हम जानते थे, जिनके साथ ऐसा हुआ। इतना इस तरह तो हजारों लोगों को मारा जाता है रोज, उनके पेरेंट्स नहीं है। और सिद्धू मूसेवाला काफी ज्यादा फैन थे स्कूल में भी, ये हाँ। सैवेज ये क्या था, ऐसे हाँ ऐसे चलता था कि बदमाशी है गाने मतलब वो सुने सेम बीट सुने वो सो आए सुने तो काफी ज्यादा मतलब स्कूल में भी ये काम चलता था। लेकिन जो है स्कूल में भी अभी आजकल ये बात फैली हुई है कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ होगी, और जिस बंदे को बंदे से पूछो तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि जो है उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा थी पाकिस्तान में। जिस गाड़ी में देखो लड़के बैठे होते थे टीनएजर्स,
तो वो गाड़ी में ऐसे हाथ बाहर निकाल के सिद्धू मूसे वाले, हम लोगों की गाड़ी में हम लोगों ने जब भी गाने लगाए सिद्धू मूसे वाले जरूर लगाए। हाँ, एक 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 ना एक गाना तो जरूर लगाया है। गाने तो हम अभी भी लगाएंगे। गाने तो हम अभी भी लगाएंगे। नहीं यार, अभी अच्छा अब वो लगाते हैं ना, लेकिन दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। पहले तो हम वो सही गैंगस्टर वाली। अच्छा, उस दिन ना मैं जा रहा था तो गाड़ी में ना गाना लगा, तो मैंने उसको सेव कर दिया। जब मैं स्कूल सुबह उठा ना, तो मैं गाना लगाया ना, पहले तो मुझे पता नहीं था कि उनका गाना मैंने लगा दिया। मैं बीच में क्या ना, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि वो मतलब काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसे हो जाएगा। और बाहर आए और हम लोग बहुत खुश थे, और अचानक से ऐसे मैंने स्नैपचैट खोला तो मेरी दोस्त ने ना मैसेज किया हुआ था ये, और मैं सुन के हैरान परेशान मैंने जोआ को बताया, और फिर मैंने वो इंस्टाग्राम पे जब देखा तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं सच में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हम कौन सा पर्सनली जानते थे, लेकिन अब एक दुख होता है ना देख के कि जो बंदा बहुत ज्यादा इस तरह था। हम पर्सनली जानते थे, मगर आप जिसको सुनते हैं, आप देखते हैं, आपको उस बंदे से ना वैसे ही अटैचमेंट होती है, तो वो चीज थी। और पता क्या, उस दिन हम लोग बैठे हुए, हम गाड़ी में जा रहे, उसी दिन था वो सेम डे था। हमने ना गाड़ी में ना एपी दिलोन के गाने लगाए, तो ना मम्मा को शायद मम्मा को एपी का पता नहीं है, तो मम्मा थोड़ी देर बाद बंद होकर कहती है इस सिद्धू मूसे ना, मतलब सिद्धू भी नहीं, उन्होंने कहा, कहती है इस सिद्धू मूसे ना गाना लगे। और उसी दिन हम लोगों ने जब सुनी, और हमने तो यार क्या मतलब, अच्छा वो पर्सनैलिटी, वो जो बंदा था ना, अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब इस तरीके से। और यार मेरे ऊँटे खड़े हो जाते मुझे सोच के, और पता है रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं मुझे पता नहीं एक अजीब सा कुछ हो रहा था, मैं तो जोआ को ऐसे पकड़ के रखा, मैं सही मुझे नींद भी नहीं आ रही थी रात। और सिद्धू मूसे वाले का पहला गाना था जी वैगन, दूसरा था सोहाई। माशाल्लाह हैदर ने, और सोहाई ज्यादा हिट है। हैदर ने मुझे लगता है पूरी वीडियो में पहली लाइन बोली है। और ना ये पता है क्या, कल मैंने देखी थी वो एक, मैं वीडियो देख रहा था, सारे इकट्ठे हो गए। वहाँ पर ये वीडियो देखा था ये। अच्छा, हमारे पापा को भी दुख हुआ था, पापा भी इनके गाने सुनते थे। पापा भी यार, मैंने पहली दफा पापा को किसी ऐसे सेलिब्रिटी के लिए, मतलब पुराने भी थे जो पापा के बचपन के टाइम के थे, पापा को इतना उन पे दुख हुआ, इतना इसपे सबको दुख हुआ। नहीं यार, क्योंकि उनकी तो वैसे डेथ हुई थी, इनका तो मर्डर हुआ है ना, उस वजह से। तो बस यही कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स को जो है अल्लाह सबर दे, और ये दुआ करते हैं कि आइंदा ऐसा किसी के साथ ऐसा ना। और ये चीज बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, और हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ, और बस अल्लाह उनके पेरेंट्स को सबर दे, और वो हमारे दिलों में अभी भी, दिलों में कह रहा हूँ, दिल में अभी भी जिंदा है और रहेंगे। तो अभी जो हम लोग कमेंट्स पढ़ेंगे, और जो जो लोग हमें कमेंट करते हैं हर वीडियो पे, जो जो लोग हमें कमेंट करते हैं। खुरम भाई इज ऑलवेज लव, शामी टी शर्ट में एसी लगा हुआ है। यार एसी नहीं लगा होता, मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ शर्ट टी शर्ट में, और इसलिए मैं पहनता हूँ। और सेकंड है मेरा का भाई का, मोहम्मद साद है शायद। I literally checked every hour of today if you guys dropped a vlog. I have been waiting for your vlog since morning cause I knew that you would upload a vlog today as it is Friday and I am so much addicted to your vlog. I had to prepare my exam but I watched your vlog instead and was studying at night 1:30. Musa Ali Lucky Balti. कभी स्कर्दू विजिट करेंगे इंशाल्लाह बस टिकट करा दे। चलिए अब चले घर। यस ब्रो, चलो अब आप से ना। माय गॉड, टूलू लाला, टूलू लाला, लोला, चलो अभी घर चलो। काफले आ दे बाबे च नोट भरे आ डब्बी हथियार तंगे ने।